नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूनिवर्सिटी पर हमारी सीरीज जारी है, ये 10वां अंक है। इस सीरीज के बहाने आपने हिंदुस्तान के कई छोर देखे, समझ रहे होंगे कि कैसे कॉलेजों को बर्बाद कर एक सामाजिक अंतर पैदा किया गया है। जिनके पास पैसे हैं वो अब 10-10 लाख रुपए देकर बीए एमए की पढ़ाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करने लगे हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए बहुत कम कॉलेज बचे हैं जहां पढ़ाई होती है। राज्यों में तो हालत और भी खराब है। साधारण आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा महंगी हो रही है और मुश्किल भी। इसलिए यह मामला किसी नेता के रूटीन बयान से ज्यादा गंभीर तो है ही। इस दिवाली फैजाबाद में बहुत रौनक रहने वाली है। वहां 2 लाख दिए जलेंगे और एक कीर्तिमान बनने जा रहा है। भगवान राम की 200 करोड़ की प्रतिमा बनने वाली है। ये सारी बातें सुनकर किसी को भी भरोसा हो जाएगा कि धर्म कर्म का काम ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि लोग धर्म कर्म के काम में पठन पाठन का काम भी शामिल करते होंगे। शिक्षा भी धर्म कर्म का ही काम है। अभी तक इसके लिए किसी बड़े दावे की खबर सुनाई नहीं दी है। वैसे यह अयोध्या का सबसे बड़ा कॉलेज है, कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय। कामता प्रसाद और सुंदर लाल के नाम पर यह कॉलेज है। दोनों ही व्यवसायी थे और दोनों ने शहर में कॉलेज बने इसके लिए 1-1 लाख रुपए दान दिए। बहुत मेहनत से जानकारी जुटाई है। यहाँ 11,000 के करीब छात्र छात्राएं हैं। लड़कियों की सही संख्या का पता तो नहीं चला, लेकिन मालूम हुआ कि उनके लिए कॉलेज के कैंपस में कोई शौचालय नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम में शौचालय है मगर मात्र 6, जो काफी नहीं है। यह भी सुनने को मिला कि पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों ने कॉलेज आना कम कर दिया है। साकेत कॉलेज में 145 रेगुलर शिक्षक होने चाहिए मगर यहाँ 85 ही हैं। वो भी इनमें से हाल फिलहाल में नियुक्त हुए। बहुत दिनों तक यह कॉलेज 60-65 शिक्षकों के भरोसे चलता रहा। आज भी यहाँ 60 शिक्षकों की कमी है। कुछ विषयों में गेस्ट टीचर रखे गए हैं जो 15,000 से 20,000 की सैलरी पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ इस वक्त झांकियां बन रही हैं जो दीपोत्सव के वक्त इस्तेमाल होगी। दिवाली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रमों की घोषणा की है। फैजाबाद के ही दर्शन नगर में एक कॉलेज है, गौतम बुद्ध महाविद्यालय। वहां पर 7-8 शिक्षक ही हैं। जब हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव वहां गए तो गेट बंद था और अंदर में गाय बकरी चराई जा रही थी। मेन गेट पर ही झाड़ियां उगाई हैं। गंदगी का विवरण इस वक्त उचित नहीं होगा क्योंकि अयोध्या दीपोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है। सरकारी कॉलेज है ये। कॉलेज की इमारत का कौन सा हिस्सा देखकर आप खुद को तसल्ली दिलाना चाहेंगे कि कुछ नहीं होगा, केवल इस मुल्क में नेता भाषण ही देते रहेंगे। शौचालय की व्यवस्था देखकर लगता है कि व्यवस्था इसी को कहते हैं। जहां शौच की जगह हो वहीं कुर्सियां रख दो। इस कॉलेज के सभी विषयों में शिक्षकों की घोर कमी है। यहां 7 विषयों की पढ़ाई होती है, 125 छात्र हैं और 6 शिक्षक। 7-8 गलती से बताया, अंग्रेजी में 20 छात्र हैं और एक भी शिक्षक नहीं। अवध यूनिवर्सिटी में 631 कॉलेज हैं, 33 के करीब ही सरकारी हैं और बाकी सेल्फ फाइनेंस वाले, जिन्हें हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं। कई प्राइवेट कॉलेज में टीचर 8,000 से 10,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल कैंपस में 39 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस नेचर के कोर्सेज हैं। रेगुलर कोर्सेज सिर्फ 9 कोर्सेज हैं रेगुलर जो हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में भी उसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर वैकेंसीज रहती हैं तो हम गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट कर लेते हैं उसके अगेंस्ट। और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नियम है वो वही हैं जो परमानेंट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नियम होते हैं। अभी हाल में ही हमने गेस्ट फैकल्टीज़ के अपॉइंटमेंट किए हुए हैं। हमको लगता है कि लगभग 25 गेस्ट फैकल्टीज अपॉइंट किए हैं। अच्छी बात है कि पढ़ाई को लेकर अब कहीं उत्सव नहीं है। समाज और छात्रों ने भी उच्च शिक्षा के मुद्दे को छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं झारखंड के चाईबासा। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कोल्हान यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद इलाके के अति पिछड़े आदिवासी और गैर आदिवासी छात्रों के लिए रखी गई। 2009 में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई, अभी तक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। टाटा कॉलेज चाईबासा ने ही जमीन दी थी। इस यूनिवर्सिटी की भी हालत यकीन दिलाती है कि आप भारत में कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी सरकार में उच्च शिक्षा का हाल बदहाल मिलेगा। 16 अंगीभूत और 27 संबद्ध कॉलेजों वाले कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 90% छात्र वाकई गरीब हैं, ज्यादातर आदिवासी हैं। हम जब शूट कर रहे थे तब कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, वरना आप भारत की एक और हकीकत देखते। यह भी पता चला कि हर विभाग के पास 2 ही कमरे हैं। एक कमरा एमए प्रथम वर्ष और दूसरा द्वितीय वर्ष के लिए है।
एक कमरे का आकार 20x20 फुट का है। मुश्किल से 40-50 छात्र आते हैं, बाकी छात्र खड़े होकर या नीचे बैठकर क्लास करते हैं। हमारे सहयोगी हरबंस ने पता लगाया कि यहाँ 75% आदिवासी छात्र 40-40 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर आते हैं। ये सभी सारंडा इलाके से आते हैं जहाँ आज भी मोबाइल टावर ठीक से काम नहीं करता, शायद है नहीं। यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था तो आ गई है, मगर नेटवर्क न होने के कारण कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाते, जिसके कारण कई छात्र एक ही क्लास में 2-2 साल से अटके हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरने के कारण इम्तहान नहीं दे सकते। यह भी सुनने को मिला कि समस्या लेकर छात्र जब वाइस चांसलर के पास जाते हैं तो वे कॉफी पिलाते हैं। समस्या का समाधान नहीं होता, मगर समस्या सुनने की एक योजना है जिसका नाम है कॉफी विद बीसी। यह कॉफी विद करण से आया है। यह कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में आयोजित किया जा रहा है। अखबारों में खबर छप जाती है कि आज फला कॉलेज में कॉफी विद बीसी है। वाइस चांसलर छात्रों की समस्या सुनेंगे, सुनते भी हैं, समाधान नहीं होता, मगर हेडलाइन बन जाती है कॉफी विद बीसी। आप सोच रहे होंगे कि हम कोल्हान कहाँ पहुंच गए। आप दर्शकों में से ही कोई हमें यहाँ से वहाँ ले जा रहा है। 13 अगस्त 2009 को इस यूनिवर्सिटी के 22 विभागों के लिए 22 प्रोफेसर, 44 एसोसिएट प्रोफेसर और 88 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी। आज तक यहाँ किसी भी स्थायी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है। 22 टीचर हैं जिन्हें तबादले के जरिए यहाँ लाया गया है। पर्यावरण को लेकर हम कितने गंभीर हो जाते हैं, मगर स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। हिंदी विभाग में 350 छात्र हैं, मगर पढ़ाने वाले 2 मास्टर। राजनीति विभाग में 300 छात्र हैं, मगर पढ़ाने वाले 1 मास्टर। इतिहास विभाग में 350 छात्र हैं, पढ़ाने वाले 1 शिक्षक। अर्थशास्त्र विभाग में 250 छात्र हैं और पढ़ाने वाले 1 अध्यापक, शिक्षक, मास्टर, प्रोफेसर, इसे प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर जो मर्जी आए कह लीजिए। जनजातीय अध्ययन विभाग में 1 अध्यापक है और 200 छात्र। जनजातीय समाज के लिए यूनिवर्सिटी बनती है, जनजातीय अध्ययन के लिए भी शिक्षक नहीं। ये चुटकुला सिर्फ सरकारें ही सुना सकती हैं अपनी जनता को। जनता भी हंसती रह जाती है और नेता अपनी मूर्ति बनवाकर चला जाता है। कुछ कॉलेज में कंप्यूटर लैब हैं, मगर लैब खुलते नहीं। नेता आते हैं, केंद्रीय मंत्री गए जा चुके हैं प्रकाश जावड़ेकर, वहां पर लैब का उद्घाटन भी कराए हैं घाटशिला में। अखबार में हेडलाइन छप जाती है कि डिजिटल इंडिया हो गया। यह खबर इसलिए छपी कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री पहले बांट दी गई और इम्तहान बाद में लिया गया। अखबार में छपी यह खबर बताती है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने 8 सितंबर 2017 को एक अजीबोगरीब अधिसूचना जारी की। इसमें पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके शोधार्थियों को भी कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए आवेदन करने के आदेश दिए गए। ऐसा कम ही सुना होगा आपने कि पहले डिग्री बढ़ गई और फिर इम्तहान हो रहे हैं। जरूरी है कि हम और आप ताजमहल के मसले को लेकर उलझे रहें, ताकि व्यवस्थाएं हमें बेवकूफ बनाती रहें। जमशेदपुर महिला कॉलेज का हाल भी आप सुन लीजिए। 1953 में बने इस कॉलेज में इस वक्त 9000 से ज्यादा छात्राएं हैं। 1977 के बाद से यहां पदों की संख्या नहीं बढ़ी, जबकि छात्राओं की संख्या कई गुना बढ़ गई। यहां पर 57 शिक्षक होने चाहिए, मगर हैं 34। 46 गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, जिन्हें महीने में 5000 से अधिक नहीं मिल सकता। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का क्लास लेने वाले को 5000 की सैलरी मिल रही है। जो पीजी टॉपर्स होता है उसी को पढ़ाने के लिए कह दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के कुछ और कॉलेजों में शिक्षकों की डिटेल पता चला है। टाटा कॉलेज चाईबासा में 84 पद मंजूर हैं, मगर 25 शिक्षक हैं। देखिए, बिना प्रोफेसर का काम चल रहा है। महिला कॉलेज चाईबासा में 40 पद मंजूर हैं, मगर 15 शिक्षक हैं। घाटशिला कॉलेज घाटशिला में 40 पद मंजूर हैं, मगर 18 शिक्षक ही हैं। 2008 के बाद से इन कॉलेजों में नियुक्ति नहीं हुई। अभी जहां भी नियुक्तियां हो रही हैं, वो बहुत धीमी गति से हो रही है। सारे पद नहीं भरे जा रहे। हर जगह एक शिक्षक पर छात्रों की संख्या इतनी है कि कोई भी विश्व स्तरीय, छोड़िए जिला स्तरीय टॉप कॉलेज बनने का सपना नहीं देख सकता। यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस निकाली है, उसके अनुसार विश्व स्तरीय बनने का सपना देखने वाली यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक पर 20 छात्र होने चाहिए। यहां ना तो 300 शिक्षक पर एक टीचर है, और एक टीचर है भी तो उन पर 300 से लेकर 1000 के करीब छात्रों का बोझ है। झारखंड के कोल्हान से चलते हैं मुंबई। वहां तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। मुंबई है आखिर। 130 साल पुरानी है यूनिवर्सिटी। इसके 4 कैंपस हैं, 774 कॉलेज संबद्ध हैं। इसकी गिनती भारत के बड़े विश्वविद्यालयों में होती है। ये जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी है। इमारत तो ठीक है, मगर अंदर हालत खराब। दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हैं। बरसात के समय छत टपकती है।
दूसरी मंजिल का एक स्लैब टूट चुका, मरम्मत तो छोड़िए किसी ने मलबा तक नहीं उठाया। यहाँ पर खेल कूद के सामान है मगर खेलने के लिए जगह नहीं। आप खुद इसकी हालत देखते चलिए। यहाँ पर एक हॉल भी है जिसकी छत 2 साल पहले टूटी थी, आज तक नहीं बनी। सुरक्षा कारणों से छात्रों को यहाँ पर आने से मना कर दिया गया है। 2 साल हो गए लाइब्रेरी की मरम्मत नहीं हुई, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी का हाल बता रहा है कि नेताओं ने, वाइस चांसलरों ने आपको चुनौती दी है कि वे उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने यह जानकारी दी है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी के हाल पर ही नहीं रोएंगे बल्कि सारी यूनिवर्सिटी का हाल देखने के बाद इतना तो होगा कि आप उच्च शिक्षा को लेकर रोना बंद कर देंगे। आपके हुक्मरानों, नेताओं ने आपको फंसा दिया है, अब आप इससे नहीं निकल सकते। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपना ध्यान हिंदू मुस्लिम जैसे मसलों पर ही लगाए रखिए। सोहित मिश्रा अब आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में बने भाषा भवन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जाने का रास्ता नहीं है, किसी तरह फिसलने से बचते हुए सोहित आपको यहाँ ले आते हैं। किसी को घास नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ने खुद को मृत घोषित कर दिया है। बड़ी बड़ी घास उगाई है, ये भाषा भवन है। 2015 में भाषा भवन का कैंपस बना, इमारत इसी तरह से खाली पड़ी हुई है। जो स्टाफ सोहित को लेकर गया वो आगे जाने से रुक गया क्योंकि उसे सांप के मिल जाने का डर था। सोहित आगे गए और आपके लिए ये तस्वीर लेकर आए। अब दूसरी तस्वीर मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई यूनिवर्सिटी है। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शंकर राव चौहान शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग है। 2012 में ये इमारत बन चुकी है, 2015 में इसका उद्घाटन हुआ लेकिन इसे NOC नहीं मिली, बेकार पड़ी है। 2 साल से इस इमारत का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने जो यूनिवर्सिटी की तस्वीर दिखाई वो सारी की सारी पॉजिटिव स्टोरी है। सोचिए इससे ज्यादा पॉजिटिव स्टोरी क्या हो सकती है कि हम करोड़ों रुपए की इमारत बनाकर इस्तेमाल नहीं करते, लाइब्रेरी की मरम्मत नहीं करते, क्लास में प्रोफेसर नहीं रखते, फिर भी करोड़ों छात्र भारतवर्ष में इन्हीं यूनिवर्सिटी से हर साल पास हो रहे हैं। इससे बड़ी पॉजिटिव स्टोरी अगर भारत में है तो आप बता दीजिए। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक विवाद भी चल रहा है। यहां 15 जून तक सभी विषयों के रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, जब रिजल्ट नहीं आया तो हंगामा होने लगा। राज्यपाल ने आदेश दिया कि 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी आदेश दे दिया कि 15 अगस्त तक करो, हुआ कुछ नहीं। जून में जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आया अंत में 19 सितंबर को। महाराष्ट्र में नियम है कि परीक्षा होने के 30 से 45 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद भी 2300 छात्रों के नतीजे अभी तक नहीं आए जब हम प्राइम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि 3700 उत्तर पुस्तिकाएं आंसर शीट गायब हो गई। इसराइल यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि सभी नतीजे ऑनलाइन चेक होंगे। शिक्षकों के पास ट्रेनिंग नहीं थी और शिक्षक भी पर्याप्त नहीं थे। जो नतीजे घोषित हुए उनमें से कई छात्रों को 0 से लेकर 5 अंक मिले हैं। उनका कहना है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था, वे दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। 4 महीना होगा रिवॉल्यूशन के लिए मैंने डाला है, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और मैं जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूँ, बाकी सब्जेक्ट में मैं मतलब 60 अबव मार्क्स है मेरे, और जो सब्जेक्ट में मुझे फेल किया गया उसने वो सब्जेक्ट में मैंने 48 पेजेस लिखे थे, वो सब्जेक्ट को मुझे खाली 24 नंबर दे। रिजर्व कैटेगरी इसलिए दिया गया था कि किसी अगर किसी के पेपर्स मिसिंग है या साइन नहीं मैच हो रहा है, वो मुझे भी नहीं पता चला। जब व्हेन आई वेंट एंड आई आस्क्ड देम, उन्होंने मुझे कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता चला। मैं 5 दिन गई तो मुझे 5 दिन हर रोज़ एक नया रीज़न बताया जा रहा था कि नहीं आप एबसेंट दिखा रहे हो, आपका पेपर नहीं मिल रहा है, आपका साइन मैच नहीं हो रहा है, आप फेल हो गए हो। और फिर 5वें दिन मुझे पास का रिजल्ट थमा दिया उन्होंने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह मुंबई यूनिवर्सिटी भी एडहॉक शिक्षकों के भरोसे चल रही है। यहाँ जिस तरह पद खाली हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सरकारों की नीतियों के 2 चरण हैं। पहले तो कॉलेज में बगैर मास्टर के पढ़ाओ ताकि वे आजीवन बेरोजगार बने रहें, और अगर इनमें से कोई भी फिर भी पढ़ लिख लेता है गलती से तो इन्हें किसी भी हाल में मास्टर मत बनने दो ताकि ये पढ़ा सके। मुंबई यूनिवर्सिटी में 86 प्रोफेसर होने चाहिए मगर हैं 35, ये मुंबई का हाल है। इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के 51 पद खाली हैं। सहायक प्रोफेसर होने चाहिए 279 मगर हैं 170। सहायक प्रोफेसर के पद पर 109 बेरोजगार PhD वालों को रोजगार मिल सकता है मगर ये जगह खाली है। आप सोच रहे होंगे कि कोई तो यूनिवर्सिटी होगी जो ढंग की होगी, जहां सभी शिक्षक होंगे, हमें तो नहीं मिली। आप ही बता दीजिए कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो भारत में है। ये हालत है आपके विश्वविद्यालयों का। आप अभी तक नहीं समझ रहे कि इसका नुकसान आप उठा रहे हैं, नेता नहीं उठा रहा। इसका नुकसान इस तरह से उठा रहे कि
कि आप कॉलेज में एडमिशन के बाद उसे ट्यूशन करा रहे हैं, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं और आपकी जिंदगी पढ़ाई में ही बर्बाद होती जा रही है और उस पढ़ाई का नतीजा नहीं। कोल्हान से लेकर मुंबई तक कॉलेज की एक ही हालत है। हर तरह के राजनीतिक दल को हर राज्य में 10 से 15 साल सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन किसी ने भी उच्च शिक्षा को बेहतर नहीं किया। इसीलिए उच्च शिक्षा को छोड़कर आजकल नेता नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, शादी करें तो कैसे करें, किससे करें, गुलदस्ता दें या किताब दें, शराब पिए कि ना पिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो भाषण ज्यादा दे रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ले जाएंगे किसी और कहानी पर। जीएसटी तेरस है इस बार, तो जीएसटी तेरस के दिन धनतेरस कैसा रहा इस पर बताएंगे।